नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। जून महीना सिंह लग्न लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, लग्न कुंडली में पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। जहां चंद्र लिखा है वहां 5 है तो इसका मतलब है आपकी सिंह राशि है सिंह लग्न में। अगर सिंह लग्न है तो ये वीडियो देख रहा है। देखिए इस महीने का हेडिंग दिया है मैंने, कर्मस्थान के लिए एक अच्छा समय, प्रतिष्ठा में वृद्धि, लग्नेश आपके दशम में गया। मैं ज्यादातर लियो लग्न को देखता हूं, पिता का बहुत फेवरेट होता है, पर्टिकुलरली अगर आप लड़की है तो पिता के बहुत फेवरेट होते हैं, पिता के बहुत करीब होते हैं। दिस इज द टाइम कर्मस्थान का साथ का कनेक्शन है आपका। 15 मई से 14 जून तक आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसे भी इंसिडेंट होंगे। इस महीने को आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, 15 मई से 14 जून में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। काम धंधे में अभी गड़बड़ करिएगा नहीं, 8वां गुरु चल रहा है। देखिए मैं 8वां गुरु माइनस पॉइंट है समझिएगा, और ऐसे भी लियो जब भी जॉब चेंज करते हैं बिजनेस चेंज करते हैं तो नए एनवायरमेंट में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो एटिकेट जो एक रुबाबदार नेचर, हर बात में प्रतिष्ठा को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना और वो सब आप नहीं है वातावरण में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो मैं लियो को सजेशन देता हूं इस महीने में बहुत बड़ी जॉब ऑफर आ भी जाए, और इफ यू आर एग्जिस्टिंग एट समवेयर कोई जगह पे आप काम करते हो तो नहीं पराक्रम करिएगा जॉब बदलने का, यह सजेशन देता हूं। वापस रिमाइंड करता हूं, हर बार ये बात बोलता हूं, 15 जून से 15 जुलाई जो है वो आपके 11वें स्थान में सूर्य का एंट्री होगा, आपके 11वें स्थान में वो आपके लाभ स्थान में, तो ये आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम हो जाएगा। कोई ना कोई आपके फाइनेंशियल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। 15 मई से 14 जून में पिता से लाभ लेने के लिए अति उत्तम समय से आप गुजर रहे हैं, पिता से लाभ लेंगे, कर्मस्थान में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज होगा। मैंने सीधा सीधा जॉब या बिजनेस बदलने के लिए आपको ना बोला है, मैंने लियो को जब भी देखा है कि बिजनेस बदलता है लियो तो बड़ा ट्रबल में आता है, तो मैं सजेशन दिया इसको सोचिएगा, इसको बैड डेज को टू बी केयरफुल डेज को कहीं ना कहीं लिख के रखो, ये मेरा सजेशन। हर वीडियो में मैं इस तरह से बताता हूँ, इसको 5, 6, 7 जून 26, 27, 28 जून को केयरफुल रहने का टाइम है, इसको मार्क करिएगा, मैं डेट वाइज बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 अप्रैल से 13 जून तक आपके जो बच्चे हैं संतान स्थान में, कहीं ना कहीं बच्चों से कुछ ना कुछ शिकायत रहेगा आपको 12 अप्रैल से 13 जून तक। हो सकता है आपका सुनेंगे नहीं, मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। अभी आप लियो है प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व देते हैं, अब 14 जून से 15 अगस्त में बच्चों के साथ का ट्यूनिंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन मन के अंदर घर के अंदर अशांति बहुत होगा। काम धंधे में भी आप 14 जून से 15 अगस्त तक सजेशन देता हूं, ध्यान में रखिएगा कि आपके कर्मस्थान में कोई असंतोष से आप भर जाएंगे, काम धंधे में असंतोष रहेगा आपको 14 जून से 15 अगस्त, मैंने बोला ऐसा। अभी जो अगर आप 15 मई से 14 जून में जॉब चेंज करते हैं तो 14 जून से 15 अगस्त में आप बहुत ट्रबल फेस करेंगे, यानी कि अगर आपका नेचर ऑफ वर्क अगर सेम हो तो ही जंप करिएगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। मैं लियो को देखता हूं दूसरी जगह सेट होने के लिए बहुत वक्त लगा देता है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 1 जून से 4 जून है, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बड़ा कोई महत्वाकांक्षा सपना देखने का टाइम है 1 जून से 4 जून, बहुत अच्छा समय रहेगा। 5, 6 और 7 जून विल बी वेरी एक्सपेंसिव, कुछ ना कुछ गलती करोगे इसमें 5, 6 और 7 जून को, हो सकता है आप नया जॉब ज्वाइन करने का डिसीजन लो, गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 5, 6, 7 जून खर्च का टाइम है, एक्सपेंसिस का टाइम है, कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन का टाइम है। 8, 9, 10, 11 को बाद में वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जो आपने गलती किया है 5 से 7 में वो 8 से 11 में रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। 12, 13, 14 आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट दिन है इस महीने का, 12 से 14 हो सकता है आपका पूरा परिवार मिला हो इस दिन में, यू विल एंजॉय विथ योर फैमिली, फूड फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करेंगे 12 से 14 में आप, तो 12 से 14 आपको ऐसा लगे आप कुछ बोल देंगे, आपके शब्दों का भी बहुत वैल्यू हो जाएगा 12 से 14 में।
पारिवारिक एकता का आप अनुभव कर पाएंगे। 15, 16, 17 और 18 आपके भाई बहन के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा। हो सकता है अगर उम्र छोटी हो, भाई बहन के विवाह के लिए कोशिश कर रहे हो, तो 15 से 18 बेस्ट रहेगा। 15 से 18 आप डेयरिंग भी बहुत करेंगे। आपके सोसाइटी का कोई मीटिंग हो, मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ, सोशली बहुत एक्टिवेट होते हैं। सोशली एक्टिवेट इसके लिए होते हैं क्योंकि आपको प्रतिष्ठा का बहुत कनेक्शन होता है, आपका एप्रिसिएशन, आपको लोगों की तारीफ सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और 15 से 18 आप सोसाइटी के काम धंधे में, हो सकता है मीटिंग में, सोसाइटी के काम में, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 15, 16, 17 और 18 19, 20, 21 हो सकता है आपके घर पे गेस्ट आए, घर के अंदर मन के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे आप। 19, 20, 21 मामा के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर मैं देखता हूँ आपके पास पिता का बहुत लाभ होता है। ये महीना 15 मई से 14 जून तक पिता के लिए, पिता के साथ का कनेक्शन बहुत मजबूत रहेगा। 19, 20, 21 मामा के लिए टाइम, दिस इज द टाइम टू बी अ पीसफुल टाइम टू बी एंजॉय एट होम। 19, 20, 21 22 से 25 मैंने जो बोला आपको, दिस इज द टाइम यू हैव टू स्पेयर विथ योर चिल्ड्रन। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ स्पेयर करिएगा 22 से 25। 22 से 25 अगर आप कोई क्रिएटिविटी जैसे फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे ज्यादातर मैं कर्मस्थान में शुक्र की राशि देखता हूं, तो फैशनेबल चीज से आप लोगों का पाला पड़ा होता है, और ये वृषभ राशि है तो उसमें फाइनेंस का कनेक्शन है। आपके पास कोई पिता का फाइनेंस होता है और आपका कोई चीज का बिजनेस होता है जो कमीशन बेस्ड, बोलने से, मार्केटिंग से, फैशनेबल चीज का मार्केटिंग का कामकाज आप करते हुए, मैंने बहुत बार लियो को देखा है, पिता का फाइनेंस की ताकत होती है आपके पास पप्पा के। 22 से 25 में अपने बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम कर लीजिएगा, हो सके इतना, क्योंकि आप लोगों को मैं देखता हूँ बाद में बुढ़ापे में जो आपका जो पैसा कमाने का जो उम्र होता है लगभग 28-30 से जो शुरू होता है, ये 55-60 तक रहता है। 60 के बाद बहुत अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत ईगो में बहुत लोगों को आप भगा चुके होते हैं, अपने पास के करीब लोगों को, हाँ हाँ करने वाले को साथ में रखा होता है, और बाद में देखिए आपका जो मतलब है जीवन का जो रोल है वो अधिकतर पूरा हो जाता है। So, लोग आपकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हुए मैं लियो को देखता हूँ ओल्ड एज में बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो ये 22 से 25 में बच्चों के साथ का रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करिएगा, अदरवाइज यू विल बी अलोन इन योर ओल्ड एज। ये 3 दिन में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऑलवेज हर महीने का मैं 3-4 दिन बताता हूँ, टेक द एडवांटेज, एस्ट्रोलॉजी इसी का नाम। 26, 27, 28 आपके हेल्थ के लिए इश्यू हो सकता है, वो हो सकता है आप ओवर एडजस्टमेंट ओवर काम कर लो। 26, 27, 28 आप ज्यादा काम कर लो, उसकी वजह से आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो टू द बेस्ट देखिए इन दिनों में इट विल बी, ये देखिए ये एक्सपेंसिव है, ये झगड़े का टाइम है। 26, 27, 28 हो सकता है आपने जॉब चेंज कर दिया हो, और 15 जून से 15 जुलाई तक फाइनेंशियली बहुत पोजिशन अच्छा है आपका, बट 26, 27, 28 झगड़े का समय, सामने से चल के विवाद 26, 27, 28 को खड़ा नहीं करिएगा। शो मस्ट गो ऑन। ये दिन में हो सकता है आपके मैटरनल अंकल के साथ पाला पड़ जाए आपका, 26, 27, 28 को मामा है मौसी है उनसे पाला पड़ जाए, ये दिन हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 29 तारीख और 30 तारीख, 1 जुलाई और 2 जुलाई, ये 4 दिन आपके लिए, मैं जुलाई महीने में घुस गया, ये 4 दिन आपकी वैवाहिक जीवन के साथ स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग ठीक रहेगा। मैरिज लाइफ देखिए अभी आपका बोर्डम भरा हुआ है, 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक ये सप्तम स्थान का शनि सप्तम में आया, मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा कर रहा है। अगर इसको देखिए इसमें शनि है तो जिम्मेदारी आता है, यानी कि आपका स्पाउस अभी काम धंधे का जिम्मेदारी में पड़ गया है। ये 29 अप्रैल से मतलब मई जून और 11 जुलाई तक वो वर्कलोड आपके जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उसमें काफी आपका स्पाउस उलझा हुआ है। तो ये जो टाइम है 29 जून से 2 जुलाई आपके स्पाउस को समझने का टाइम है, दिस इज द टाइम यू शुड स्पेयर फॉर योर, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो 29 जून से 2 जुलाई में अपने पार्टनर पर के साथ का जो ओपिनियन डिफर है उसको टैली करने की कोशिश करिएगा। आई सेड जॉब के लिए बेस्ट टाइम है ये महीना, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, अगर जॉबलेस नहीं है, अगर आपके पास जॉब है और वो जॉब में समझो देखिए 10,000 रुपया समझो इंक्रीमेंट हो भी जाता है महीने का, साल का 1,00,000 रुपया, 1,20,000, 1,20,000, 1,50,000 रुपए के लिए नौकरियां बदलना में लियो वालों को मुनासिब नहीं समझता। सो अगर आप जॉबलेस है तो ही आपके लिए बेस्ट टाइम है ये महीने में। बिजनेस के लिए आई सेड नो, गुरु अष्टम में है,
जो शो चल रहा है वो चलने दीजिएगा, बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपांशन करना है ये वो चक्कर में नहीं पड़िएगा। गुरु अष्टम में है, पैसे की शॉर्टेज में आप रहने वाले हैं अभी। हेल्थ के लिए 26, 27, 28 जून मैंने बताया आपको, 26, 27, 28 हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक चीज है, केयरफुल रहिएगा, यानी कि ओवर एडजस्ट नहीं करिएगा। आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना ही करिएगा। जो अगर कहीं घूमने फिरने गए हैं तो ये ज्यादातर दोस्तों के साथ का ये समय है, 26, 27, 28 जो मैंने बोला, कि दोस्तों के साथ हो सकता है कि बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दो, झगड़ पड़ो आप किसी से, ये भी हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा और लिमिट के अंदर ही शरीर का साथ खेल करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। स्टूडेंट हैज टू केयरफुल टिल 30th जून। स्टूडेंट को देखिए मैंने बोला है कि आपको 12 अप्रैल से 13 जून तक स्टूडेंट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल समय है। 14 जून से आपका चित्र आपके स्टूडेंट के लिए फेवर में होने लग जाएगा। स्टूडेंट के लिए गुरु आठवां है, पंचमेश अष्टम में है, सो केयरफुल रहना है। गुरु का मंत्र करते रहेंगे तो अच्छा है, गाय को घास खिलाएंगे गुरुवार को तो अच्छा है। स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को बहुत बार ऐसा लगेगा पंचमेश अष्टम में जो चीज जिसके कैपेबल है आप उतना परसेंट आपको नहीं मिल सकता। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने 12 जून बेस्ट बोला। देखिए जनरली जो आपका लग्न है ये लियो लग्न है, सिंह लग्न है, अपने रुबाब में ही जीना बिलीव करता है। यहाँ चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 3rd हाउस और 9th हाउस में, तो 12 जून थोड़ा रोमांटिक दिन साबित होगा। और मैंने 12 जून के लिए आपको एक बोला कि पैसे का मनी फ्लो 12 से 14 में बहुत अच्छा होगा, मनी फ्लो का दिन है। और ये इसका हो सकता है कि इस दिन में कुछ रोमांटिक दिन आप गुजार भी दो, कोई रोमांटिक दिन है जरूर, और पड़ोसियों के साथ का रोमांटिक दिन मान सकते हो इसको। 12 से 14 फाइनेंशियली भी आप लिफ्ट हुए होंगे। मैरिज के लिए आई विल से नो, क्योंकि गुरु अष्टम में शनि सप्तम में ये महीना मैरिज का कोई चांस नहीं, कोई बहुत बड़ी बात भी आ नहीं सकती, ये भी संभावना नहीं है। शेयर मार्केट के लिए आई सेड नो, लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 8, शेयर मार्केट के लिए मैंने ना बोला। 12 अप्रैल से 13 जून में अगर शेयर मार्केट में कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो समझो तो भगवान की कृपा समझिएगा, क्योंकि 12 अप्रैल से 13 जून संतान से विवाद में भी बच के रहिएगा 12 अप्रैल से 13 जून तक का। और 12 अप्रैल से 13 जून तक तो शेयर मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा पैसा खींचना, डिपॉजिट करना वो सब नहीं करिएगा शेयर मार्केट में। आपका 10th लॉर्ड देखिए वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, और वृषभ राशि मतलब गुरु की राशि है, पैसे की राशि है, धन की राशि है, तो ये ज्यादातर मैं फाइनेंस से जुड़े हुए आप लोगों को देखता हूं। इन शॉर्ट कर्मस्थान के लिए अगर इफ यू आर ए जॉबलेस ये अच्छा पीरियड है। चतुर्थी देखिए विनायक चतुर्थी 3 जून, संकष्टी 17 जून, प्रदोष 12 जून, 26 जून प्रदोष है। मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ कि कहीं भी बड़ी बड़ी जगह पे बोलेंगे कि मैं चीफ गेस्ट बोलकर आ जाता हूँ, एज ए चीफ गेस्ट आई विल कम, बट मेरे को चीफ गेस्ट का वो लोग डोनेशन भी देते हैं आप जैसे लोग, बट मेरा एक स्पीच होगा, बहुत पैसा वापरते हैं अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए, वो आप लोगों का बैड हैबिट होता है। 12 जून 26 जून अगर ये प्रदोष का व्रत करोगे तो मनी आप अपने पास संभाल के रख पाओगे, मनी फ्लो आप लोगों का पास ज्यादा होता है। गुरु अष्टम में है, अगर देखिए श्री यंत्र मिलता है मार्केट में, बहुत महंगा नहीं है श्री यंत्र, ये श्री यंत्र लगभग 300-350 रुपए का मिलेगा। श्री सूक्त करिएगा, श्री यंत्र मार्केट में से लेके आइएगा, जहां आपका चेकबुक रखा है, पासबुक रखा हो बैंक का, कुछ पैसे रखे हो तिजोरी जैसा हो, उसमें आपको श्री यंत्र रखना चाहिए, और हर गुरुवार को उसको बाहर निकाल के श्री सुक्त कनक धारा स्त्रोत्र या तो जैनों का है एक उवग सरम ये करेंगे तो आपके लिए मनी फ्लो अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है इस महीने के लिए आपका। अभी देखिए शुक्र राहु का योग बना है, लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 9, कर्मेश 9वे में है, यानी कि माँ बाप के लिए बहुत अच्छी संतान आप अभी साबित होने वाले हैं। 23 मई से 17 जून का जो समय उसमें माँ बाप के साथ का एक अच्छा ट्यूनिंग भी रहेगा आपके लिए, और कर्मस्थान में बहुत बड़ा ऑफर आएगा। अभी भी वापस मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, नया जॉब चेंज नहीं करिएगा। अमावस के दिन 28 जून है, अमावस के दिन देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको 12 अप्रैल से 13 जून तक स्ट्रेस रहेगा इफ यू आर ए स्टूडेंट। अगर आप मेरी उम्र के हैं तो बच्चों के साथ का विवाद भी रहेगा 12 अप्रैल से 13 जून तक, सो बेटर है ये 28 जून को विष्णु सहस्त्र नाम करके बैते जल में नारियल बहाइएगा। 14 जून से 15 अगस्त तक का जो समय है आपको हर अमावस को करना ही चाहिए, अभी
मेरा ऐसा मानना है कि राहु आपके नाइन्थ हाउस में अचानक भाग्य की मदद करने की कोशिश करेगा, बट इफ यू आर ए जॉबलेस, 14 जून से 15 अगस्त आपके घर के अंदर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका मन का शांति भंग हो जाएगा। काम धंधे में आपको दिखाई देगा 14 जून से 15 अगस्त तक का जो आपका जो रास्ता है वो काफी मुश्किल भरा होगा। काम धंधे में आपको असंतोष भी होगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सूर्य की पूजा करिएगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये महीना आपके लिए अगर आप गड़बड़ नहीं करते तो बहुत अच्छा बीतेगा। 15 मई से 14 जून तक का समय प्रतिष्ठा में वृद्धि, कर्मस्थान के लिए अच्छा समय, पिता के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट टाइम 15 जून से 15 जुलाई, पैसा बचाने का यानी कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए अच्छा समय, और घर के लिए मन की शांति के लिए 14 जून से 15 अगस्त टफ टाइम रहेगा। इसको नोट करके रखिएगा, कहीं ना कहीं काम धंधे में असंतोष रहेगा, यानी कि काम धंधे में हो सकता है कोई नया ऑफर भी आए या तो आपको मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सेम मैनेजमेंट हो तो ही करिएगा, अपनी सीनियरिटी अगर 5-10-15 साल की सीनियरिटी हो तो उसको गवाइएगा नहीं, ये मेरा सजेशन है। ये है आपका लेखा जोखा इस महीने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा, जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।